ओए होए होए, हमारे घर के खेत सेफ है लेकिन ये सेफ नहीं है, ये देख सकते हैं आप। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के सारे नेमतों का शुक्र अदा करने के बाद आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। बादल और सूरज जी अब इकट्ठे नज़र आ रहे हैं, इस तरफ जी हल्के हल्के बादल हैं और माशाल्लाह सूरज अच्छी तरह निकल चुका है। मुझे वीडियो अपलोड किए हुए 4 दिन हो चुके हैं और अभी तक मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की, हालाँकि जी मैंने व्लॉग बनाए हुए हैं तो अपनी ही सुस्ती है जी, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका और मैं अपलोड कर दूंगा अपने इन छोटे कार्टून्स के साथ हूँ। ये रही जी हफ्सा, इसकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है, 1 हफ्ता हो गया ये स्कूल नहीं गई। सारे बच्चे जी बीमार हो चुके हैं सबको जी, किसी को बुखार है, किसी को खांसी है और बहुत ही हालत ख़राब है इनकी। हफ्सा की भी बहुत ज़्यादा ख़राब है और जी इस छोटी शहजादी की हिबा की भी नज़ला ज़ुकाम बहुत ही ज़्यादा है इनको। आपको पता है जब छुट्टी होती है तो बच्चों को बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन इसकी सेहत वाकई बहुत ख़राब है। हम भी जब छोटे हुआ करते थे स्कूल जाने को दिल नहीं करता था तो हम भी पेट दर्द सर दर्द लेकर बैठ जाते थे, लेकिन इसको ज़्यादा बुखार है इसलिए नहीं गई है। इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, सुबह जब मैंने बच्चों को छोड़ा था जी स्कूल तो मैंने चादर रखी थी, हुडी भी पहनी थी, लेकिन अभी माशाल्लाह मौसम ठीक है, सूरज के सामने ये सब कुछ मुश्किल से थी। मैं चादर उतार दूँगा, हुडी भी उतार दूँगा, चादर और हुडी ज़्यादा हो जाता है जी। सुबह थोड़ी और बात थी, बाइक पे था तो ज़्यादा सर्दी लगती थी। मैं अभी जा रहा हूँ माल मवेशी को बाहर निकालने के लिए, उनको धूप में मारने के, तो हालत मेरी कुछ ऐसे हो गई, अजीब सी लग रही है मुझे, बाल भी कटवाने वाले हो गए हुए और हाथ भी करवाने वाला हो चुका है। फिलहाल जी मैं जा रहा हूँ, आप किधर आ रहे हो? वापस चलो, मैं बाद में आऊँगा, फिर हम खेलेंगे ठीक है। चाचू जाने जी अपना माल बाहर निकाल दिया, जस्ट मैं रह गई, बकरियों उनकी अंदर ही बांधी हुई है। देखें जी आवाज़ आ रही है, छोटे कार्टून बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे जी। ये रहे जी हमारे छोटे कार्टून, ये दूध तो नहीं पीने दे रही इनको पता नहीं क्यों, और ये जी अभी दूध पी रहे हैं जी, माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं जी। और अभी जी ये दूध पीने के बाद फिर कूदेंगे, इधर उधर घूमेंगे। अब ये मेरे पीछे आ रहे हैं, ये पास नहीं आता, लेकिन ये जो ब्लैक है ये पास आ जाता है कभी कभी। अभी कोशिश कर रहे हैं जी दूध पीने की, लेकिन नाकाम कोशिश है। और जी आपको गंदम की अपडेट देते हुए चलता हूँ मैं, माशाल्लाह जी आज इतने दिनों बाद मैं आपको अपने खेत दिखा रहा हूँ और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी गंदम लगी है जी। इस बार हर बार ही होती है लेकिन इस बार माशाल्लाह बहुत ही मज़े की है। ये जो आपको नज़र आ रही है गंदम, ये हाथ से काश की गई है, मतलब कि ड्रिल मशीन से नहीं हुई, और ये बहुत ही घनी नज़र आ रही है। ये रहा जी हमारा खेत, हमने ये नाली मशीन से ड्रिल से हमने काश करवाई थी, आपने वो व्लॉग देखा ही होगा। तो ये भी माशाल्लाह सही सर नज़र आ रही है, लेकिन ये जो ये नज़र आ रही है आपको, ये बहुत ही ज़्यादा घनी है माशाल्लाह। मैं और चाचू जान जा रहे हैं जी जानवरों के लिए चारा लाने के लिए, बकरियों के लिए बेसिकली। तो अभी हम जी अपने ही घर से बाहर निकल चुके हैं और ये रहा जी जंगल, इतना घना तो नहीं है, मतलब जिन लोगों की ये जगह है उनके एक खेत है यहाँ पे, तो यहाँ से रास्ता ही जाता है आगे जंगल की तरफ। जो ही हम घर से निकले तो एक भाई साहब ने मुझे देखा और वहीं से आवाज़ लगे कि आप साथ वीडियो बनाएं, वीडियो क्यों नहीं बना रहे? मैंने कहा जी ठीक है हो गया जी, अभी वीडियो बना लेते हैं। मेरा प्लान था कि हम वहाँ पहुँच के वीडियो में बनाऊँगा, लेकिन जब उन्होंने देखा उन्होंने वहीं से कहा कि आप वीडियो बनाएं, तो मैंने कहा जी ठीक है यहीं से वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। सूरज माशाल्लाह, और यहाँ से इन खेतों का कुछ ऐसा नज़ारा है, यहाँ पे भी खेत है और नीचे भी खेत है, उससे आगे भी खेत है, मतलब कि ये जगह इतनी रोनी नहीं है, यहाँ पे खेत हैं। जिस जानब हम जा रहे हैं जी इस तरफ करके, वहाँ आगे बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, रात को ज़्यादा होता है। ये देखें आप, यहाँ पे जी खड्डे मारे हुए हैं जी सूरू ने, रात को आते हैं। थोड़ा नज़दीक से मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ सीन करते हैं जी रात को ये खेतों में, ये देखें बर्बादी कर देते हैं। ये एक खेत नहीं है, आगे भी जो खेत हैं उनको भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया जी, वहाँ पे थोड़ा भी किसी ने लगाया हुआ है। अभी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ जी, क्या ओए होए होए, हमारे घर के खेत सेफ हैं लेकिन ये सेफ नहीं है, ये देख सकते हैं आप कितने बुरे तरीके से इन्होंने जी कार्रवाई की हुई है, यहाँ पर कितने गहरे गड्ढे मार दिए इन्होंने। अगर किसी को काम की ज़रूरत हो तो बताइएगा, हमारे हाँ जो ये सूअर हैं बहुत ही अच्छे गड्ढे खोलते हैं। तो खैर अभी हम के ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं, ऐसे रास्ते हैं जी जंगल के कुछ, ये इधर हरा भरा घना जंगल जी, हर तरफ देख सकते हैं आप दरख्त ही दरख्त और
दुश्वार रास्ते जी, कुछ ऐसा माहौल होता है जी जंगल का। ये देखिए, हाँ 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 मज़ा आ गया। रात को यहाँ पे बहुत खतरा ही होता है और कोई आता भी नहीं जी यहाँ रात को, बहुत ही मुश्किल। कुछ गाड़ी वाड़ी हो तो और बात है, वैसे कोई नहीं आ सकता। ये आगे और भी नीचे घना जंगल है, रास्ता नहीं जाता, और ये जो रास्ता बनाया हुआ है आरजी तौर पर यही है जी। अल्लाह अकबर, अपने ही अंदाज में लगी हुई है, पता नहीं क्या कर रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज जी पकाई गई है जी बिरयानी, जो कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैं छत पे आ गया हूँ जी, मज़ा आ गया। और अभी मैं छत पे बैठ के खाऊंगा जी बिरयानी, बहुत ही मज़े की बनी हुई है। यहाँ पे बैठ के खाने का जी अपना ही मज़ा है। यहाँ पे ब्लैक ब्लैक आ रहा है, पीछे सूरज है, और सुबह जब मैंने आपको दिखाया था नज़ारा, मतलब कि बादल थे, लेकिन अभी बिल्कुल साफ सुथरा हो गया जी आसमान, माशाल्लाह। ऐसे ही धूपे रहें तो मज़ा आता है, जब बारिश हो तो जितनी हम मतलब कि हमें चाहिए होती है उतनी हो जाए तो बेहतर होता है, और जब एक एक हफ़्ता दो दो हफ्ते बारिश ख़त्म ही नहीं होती तो फिर मुश्किल हो जाती है जी सबके लिए। लेकिन अभी माशाल्लाह बहुत ही मज़े का मौसम है, बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही। मगरब के टाइम शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये मैं ले आया हूँ जी मिट्टी का बर्तन है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जी इसी मिट्टी के बर्तन में चावल खाता हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है चावल। और इसलिए चावल खाता हूँ कि इसमें सुन्नत है, सवाब भी है, और दूसरा मैं चावल ज़्यादा पसंद करता हूँ और इसमें चावल ज़्यादा आ जाते हैं, एक ये राज है। मजाक कर रहा हूँ, वो कज़न आ रहे हो, मुझे आवाज़ें दे देती। हाँ जी, ओके ओके। एक यही कज़न नहीं, जो भी मुझे देखते हैं जानने वाले हों या मेरे कज़न हों, वो ऐसे ही मुझे फिर आवाज़ें देना शुरू कर देते हैं जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ही मज़े के चावल अब बने हुए थे, तो मैंने जी पेट भर के खाया। अभी जी बच्चों की छुट्टी का टाइम हो चुका है, जो मेरी रूटीन पे है, मेरा ही काम है बच्चों को लाना। तो अभी जी मैं लेके जाऊँगा अपने इस हवाई जहाज़ को। इस हवाई जहाज़ की जी एक चाबी एक गुम हो गई है, स्विच वाली चाबी जी किसी बच्चे ने उतार ली है, पता नहीं कहाँ चली गई। तो आज ही इसका इंशाल्लाह जो मसला हो गया हुआ इसको ठीक करवा लूँगा, आज या फिर कल। लेकिन अभी जी मैं जा रहा हूँ बच्चों को लेने के लिए। माशाल्लाह जी मज़ा आ गया जी अपनी ही जगहों पर आकर, लुक चेंज हो चुकी है जी जगह की, मतलब खजान का मौसम स्टार्ट हो रहा है या होने वाला है या हो चुका है इसका मुझे पता नहीं है। अलबत्त जो पत्ते हैं वो सूखना शुरू हो चुके हैं। अभी ये जो दरख्तें पलाई के दरख्त, इसके पत्ते जो छोटे छोटे होते हैं ये भी सूख चुके हैं। और हमने बहुत टाइम बाद जी बकरियाँ लाई हैं, मैं और साथ कज़न हैं, और मैंने भी यहाँ पर नमाज अदा की है, क्योंकि जब हम घर से निकले तो अज़ान हो चुकी थी, तो फिर मैंने सोचा वहीं पे जाके नमाज़ पढ़ेंगे। यहाँ पर आकर नमाज़ पढ़ने का जी अपना ही सुकून मिलता है। और मैं और जो भी मेरे साथ जब्बार भैया हैं, इनके भाई बिलाल भाई, हम जब आया करते थे तो मुझे अच्छी तरह याद है, हम नीचे जो पानी चलता है वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत पत्थर हुआ करते थे बहुत ही मज़े के, वहाँ पर हम नमाज़ पढ़ा करते थे। स्पेशली इस वजह से कि यहाँ पर हम नमाज़ पढ़ेंगे और मज़ा आएगा, और वाकई यहाँ पर सुकून मिलता है जी एक अजीब सा। तो अभी कुछ देर यहीं पर रहेंगे, उसके बाद फिर हम वापस चले जाएंगे, क्योंकि सूरज भाई साहब अभी इतना सा फासला रह गया, फिर ग्रुप हो जाएंगे। और अभी सर्दियां हैं तो सर्दियों में दिन जो है बहुत छोटा होता है, ऐसे गुजर जाता है पता भी नहीं चलता। सर्दियों में पानी सूखता नहीं है, हल्का हल्का चलता ही रहता है, जैसे अभी कैमरे में आपको साफ नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये अभी चल रहा है। गर्मियों में पानी बिल्कुल सूख जाता है, और जब बारिशें हों तब चलता रहता है, नहीं तो सूख जाता है और ख़राब भी हो जाता है। लेकिन सर्दी में पानी अगर ज़्यादा तेज़ ना चले लेकिन हल्का हल्का चलता रहता है, और सूखता भी नहीं है और गंदा भी नहीं होता, मतलब ब्लैक ब्लैक नहीं होता। और अभी पानी चल रहा है, और यहाँ पे जी थोड़ी थोड़ी सी ठंड अभी से लगना शुरू हो चुकी है। मैं जी इंजॉय कर रहा हूँ, इधर जी धूप है और नीचे छाऊँ, ये धूप रही ये छाऊँ रही, यहाँ पे अच्छी भली ठंड है, और अगर आप सूरज के सामने खड़े होंगे तो आपको सर्दी नहीं लगेगी। इधर चलेगी बकरियाँ, ये जो दो तीन हैं जी, एक ये है एक इधर है और एक वो सामने, ये बिल्कुल नहीं है, इनको नहीं पता कि किधर जाना है क्या सीन है। हमारी जो हैं वो देखें वो सामने हैं, इनको पता है कि हमारी जगह कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि हम बहुत टाइम से इनको यहाँ पर लेकर आते हैं, इनको पता है। लेकिन जो नहीं है इनको नहीं पता कि कौन सी जगह है, फिर इसलिए ये यहीं पर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे अहराम आ चुके हैं, भाईजान ने ऑर्डर किए थे और अहराम पहुँच गए थे। वैसे मेरा जो प्लान था वो ये था,
मैं और भाईजान जाएंगे और अहराम लेकर आएंगे। अगर हम वहाँ वहीं से रिसीव करेंगे तो हम उनसे तरीका पूछ लेंगे कि कैसे इनको बांधा जाता है। लेकिन भाईजान ने ऑर्डर कर दिए थे तो वो आ गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अहराम हमारे पास पहुँच आए हैं और अभी हमारे पास हैं। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको अभी ऐसे ही दिखा देता हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में या अगले व्लॉग में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इनको कैसे बांधते हैं। ये भी अहराम है। हमने जी टोटल 3 अहराम ऑर्डर किए थे। वैसे जो मैं चाह रहा था कि 4 हो जाएं, 2 मेरे और 2 भाईजान के हमें कहीं भी जरूरत पड़ सकती है उनकी, लेकिन भाईजान कह रहे थे कि 3 ही काफ़ी है, ऐसा मसले वाली बात नहीं है। तो फिर मैंने कहा जी ठीक है जैसे आप चाहते हैं। माशाल्लाह जी एक ये रहा एक ये रहा। हमारे अहराम जी आ चुके हैं, हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जहाँ पे हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे और हम उनकी बस्ती में जा रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं अल्फाज बयान नहीं कर सकता। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में आपको मैं मजीद बताऊंगा कि हमारा आगे क्या प्लान है। और आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह आपको मैं मदीने शरीफ की, खानकाह शरीफ की वीडियो बनाकर आपके साथ जरूर शेयर किया करूंगा। तो फिर आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। अतीकुर मन को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।